नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YFM सिक्योरिटी में। देखिए, सबसे बड़ी बात खासकर गाड़ी के नंबर प्लेट को लेके होती है, पार्किंग के सॉल्यूशन को लेके होती है। काफ़ी कमेंट मुझे ऐसे आते हैं कि आखिरकार क्या करें, कि कौन सा कैमरा लगाएं पार्किंग सॉल्यूशन में, या फिर पार्किंग का एरिया है या घर के बाहर है तो क्या करें। तो आज मैं आपके लिए कुछ सॉल्यूशन लेकर आया हूं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैं सबसे पहले आपको बताने वाला हूं कि एनालॉग HD कैमरा और IP कैमरा, इस दोनों के बारे में आपको बताऊंगा। दोनों में प्राइस का काफ़ी डिफरेंस है। पहले बात कर लेते हैं एनालॉग HD कैमरे की। तो आप एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि एनालॉग HD कैमरे में ज़्यादा आपको फीचर्स वगैरह नहीं मिलते हैं। मैं कुछ मॉडल आपको सजेस्ट करता हूं, आप उसे उसके अकॉर्डिंग जो है आप परचेज कर सकते हैं, वो बेहतर है आपके एनालॉग HD कैमरे के आउटडोर सॉल्यूशन के लिए। आपको पता होगा मैं क्या बोलने वाला हूं। मैं कहने वाला हूं आपको, जो सायरन वाला कैमरा आता है, जो आउटडोर में सायरन होता है, DS2CE72 DFT-PIRX OF, ओ रहा तो कलर व्यू है प्लस सायरन है। अगर ओ नहीं रहा, PIRX F ही रह गया, तो ये आपका जो है सायरन वाला है, यानी कलर व्यू नहीं है। तो ओ रहेगा तो कलर व्यू, ये आप जरूर समझ लीजिएगा। DS2CE72 DOT-PIRX F, ये आपका 2 MP में है दोनों। बट अगर आपको 5 MP में जाना है, यानी 5 MP में सायरन वाला, या फिर आपको कलर व्यू कैमरा चाहिए आउटडोर के लिए, तो आपको याद रखिएगा कि जहाँ पर D है वहाँ पर H होगा, ठीक है, D के जगह पर H होगा। अगर D के जगह पर H हुआ तो निश्चित तौर पर वो 5 MP का कैमरा होगा, आप उसे परचेज कर सकते हैं आउटडोर के लिए। ये अब तक का सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। इसके अलावा एनालॉग में कोई बेहतर सॉल्यूशन फिलहाल उपलब्ध नहीं है, PTZ को छोड़ के। बाकी कुछ फीचर्स तो आपको पता ही है, BLC होना बहुत जरूरी है, HLC होना बहुत जरूरी है, 3D DNR होना बहुत जरूरी है, WDR उतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता बाहर के लिए। बट अगर लाइट का जो है एडजस्टमेंट सही नहीं है, कहीं पर डार्क कहीं पर ब्राइट है, तो आप जो है WDR वाले कैमरे भी ले सकते हैं। इसमें सारे फंक्शन है, आप इसे यूज कर सकते हैं। निश्चित तौर पर अगर आप DVR की बात करें, तो यहां पर मैं आपको हमेशा कहूंगा कि IDS सीरीज का आप DVR खरीद लें। IDS सीरीज का DVR आपको काफी हेल्प करेगा और आपको इस तरह के कैमरे के लिए बेहतरीन सुइटेबल भी होगा। मॉडल नंबर आपको पता है, मैं एक बार फिर इसमें बता दूं, IDS-72004 रहा तो 8 चैनल, 04 रहा तो 4 चैनल, 08 रहा तो 8 चैनल, और 16 रहा तो 16 चैनल का। HUHI/M1 एक हार्ड डिस्क के लिए, M2 दो हार्ड डिस्क के लिए /S, ठीक है, और या फिर FA हो, तो ये आप मॉडल नंबर आप ले सकते हैं। एनालॉग HD के लिए ये परफेक्ट है, फिलहाल के लिए बेस्ट ऑप्शन है। और यह कैमरा आप आउटडोर में लगा सकते हैं, क्योंकि अगर किसी भी तरह की मूवमेंट होती है तो यह कैमरा सायरन बजाएगा। तो सायरन वाले कैमरा आउटडोर के लिए बेहतरीन है एनालॉग HD में। चलिए अब बात करते हैं IP कैमरे की दुनिया की। देखिए, IP में आपको जो मैं मॉडल नंबर बता रहा हूँ, यह मॉडल नंबर 4 MP का है, 8 MP का। 8 MP का मैंने वीडियो बनाया था, पिछला वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें काफ़ी सॉल्यूशन मैंने आपको दी है, ठीक है। तो ये आपका सबसे पहले NVR आप देख लीजिए, 7P या 7616 16 चैनल का है। आपका NI-K1 एक हार्ड डिस्क के लिए, K2 दो हार्ड डिस्क के लिए, आप ये परचेज कर सकते हैं जो मैं मॉडल नंबर नीचे बता रहा हूँ उसके लिए। DS2CD-16430-I, ये 4 MP का कैमरा है, और यहाँ पर आपको WDR वगैरह भी सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। DS2CD-1743-GO-I, ये आपका 4 MP का है, और एक आपको मैंने जो बताया था DS2CD-1083-GO-G0-I, ये आपका 8 MP का। तो ये कैमरा आउटडोर में अगर आप लगाएंगे तो आपको दिक्कत वहाँ पर नहीं होगी, क्योंकि आउटडोर की जो विजिबिलिटी है वो आपको क्लियर समझ में आएगी, क्योंकि ये 4 चैनल का है, क्योंकि ये 4 MP का है और 8 MP का। तो 4 और 8 में आपको WDR भी देखने को मिल रहा है, BLC HLC वगैरह भी सारी चीज़ें देखने को मिल रही है, तो ये चीज़ें आपको काफ़ी हेल्प करेगी। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है आउटडोर के कैमरे, खासकर गाड़ी का नंबर प्लेट आप चाहते हैं तो उसके लिए शटर स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है आपको इस तरह की गतिविधियों को कैच करने के लिए। मैंने कई बार आपको बताया कि अगर कोई चीज़ फास्ट मूव कर रही तो अगर शटर स्पीड ज़्यादा है तो वह उसको ज़्यादा आसानी से कैच कर पाएगा, उसे ले पाएगा। यही मैंने बताया कि अगर स्लो शटर है तो डार्क है बिल्कुल साथ, तो डार्क में बेहतरीन पिक्चर ले पाता है, ये मैंने कई बार आपको बताया। तो आपको बाहर के लिए जो शटर स्पीड है वो फास्ट होना जरूरी है, यानी शटर स्पीड होना जरूरी है। शटर स्पीड इन सभी में है तो ये आपके लिए बेहतर है। सिंगल लाइन का, डबल लाइन का नहीं है, मैं आपको क्लियर कर दूं। तो सिंगल लाइन के लिए मैंने जो NVR बताया उसे आप यूज़ कीजिए, और जो मैंने ये कैमरा बताया इसे आप यूज़ कर सकते हैं आसानी से। अब बात करते हैं कि डबल लाइन में क्या सॉल्यूशन। तो डबल लाइन में मैंने आपको बार बार बताया, एक बार फिर से मैं बताता हूँ, AcuSense के कैमरे को आप यूज़ कर सकते हैं। DS2CD2T-46G2-IS
SU/SN इस मॉडल नंबर को आप यूज कीजिए, ये आउटडोर के लिए परफेक्ट है, आप इसे परचेज कर सकते हैं। बाकी और भी मॉडल है Equisense के, वो भी आप ले सकते हैं। अब एक जो सवाल काफी ज्यादा आपके मन में है NVR को लेकर, मैं NVR में क्लियर कर देता हूँ, NVR मेरे पास अवेलेबल है, अगर आपको लेना है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, ठीक है। मैं NVR को क्लियर कर दूं, NVR मेरे पास अवेलेबल है NX-i सीरीज का, जो मैंने बताया, जो मुझे काफ़ी कमेंट आए कि कहीं पर नहीं मिल रहा, कोई नहीं सेल कर रहा है, कोई नहीं बता रहा। मैं आपको क्लियर कर देता हूं, अगर आपको कोई भी मॉडल नंबर कहीं पर भी आपको नहीं मिलता तो मुझसे आप संपर्क कीजिए, मैं आपके लिए प्रोवाइड कर दूंगा। हमारे एरिया में मिलता है, हमारे रेंज में मिलता है, और अगर नहीं अवेलेबल होगा तो मैं कंपनी से मंगा कर आपके लिए प्रोवाइड करवा दूंगा। तो निश्चित तौर पर जो मैं बताता हूं आपको मिलेगा। अब अगर मैं NVR की बात करूं तो DS-7616NXi, याद रखिएगा NXi Equisense का NVR, Equisense का फंक्शन अगर आपको चाहिए तो NXi वाला आपको लेना होगा, ठीक है। तो NXi वाला NVR आप मांगिए अपने नियरेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर से, नहीं मिलता है तो मुझे संपर्क कीजिए -i, ठीक है। अब आई आपका 2 रहा तो यहाँ पर 2 हार्ड डिस्क, आई 4 रहा तो यहाँ पर 4 हार्ड डिस्क लगेगा। तो इसको आप यूज़ कीजिए, इस NVR को यूज़ कीजिए Equisense के साथ, आपके लिए परफेक्ट रहेगा। ये Equisense NVR और Equisense कैमरे के लिए सुटेबल है, और इस तरीके को आप यूज़ करेंगे तो पार्किंग सॉल्यूशन जो है आपके लिए बेहतरीन हो जाएगा। हालांकि पार्किंग मैनेजमेंट सिस्टम काफ़ी महंगा है, मैं उसके बारे में कभी डिटेल्स में बात करूंगा, पर फिलहाल आप इस सॉल्यूशन को सस्ते में निपटा सकते हैं, और एक बेहतरीन सॉल्यूशन चाहते हैं तो सेकंड लाइन Equisense में आप जा सकते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों धन्यवाद।